मध्य प्रदेश के इंदौर ने सफाई के जिस अभियान को अपनाया उसकी वजह से आज वो भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में टॉप पर आता है। पर इंदौर ने ऐसा किया कैसे और क्यों आज दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेजेस में इसे सफाई की एक बेस्ट केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपको कुछ नया और बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं। इंदौर में आमतौर पर एक दिन में 1100 टन कचरा प्रोड्यूस होता है। ऐसे में सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया और मशीनों को ऑटो पायलट मोड पे लगाया। इन्होंने कूड़े को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, गीला और सूखा। गीले कूड़े को डिस्पोज करके उससे मीथेन गैस बनाई गई जिसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है और वो बिक सका है। और सूखे कूड़े का कचरा इन्होंने सेग्रीगेट किया और प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाया। जब सारा कचरा साफ हुआ तो 10 एकड़ जमीन मिल गई। अब इस लैंड के ऊपर सिटी पार्क बनाए जाएंगे और कमर्शियल बिजनेसेस किए जा सकते हैं। कूड़े से पैसा कमाने का बेहतरीन एग्जांपल होने के कारण इस एग्जांपल को केस स्टडी के रूप में पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। वैसे आपका शहर साफ है या गंदा कमेंट करके जरूर बताइएगा।